गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द यूपी 31 ट्रैवलर। और जो हम लोगों ने कैथलॉन जाकर के टेंट लिया था, आज उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह पे हम लोग आए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये इस तरीके से इसमें दो ग्रिप दी हुई हैं ताकि हम लोग इसको फोल्ड कर सकें। अब इसे ऐसे ही खोल लेते हैं। अच्छा, तो ये एक बैग है जिस बैग के अंदर ये पैक होकर के आता है। अब इस बैग से ही हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको खोल दिया है, ये एक बैग। इसमें शायद मुझे लग रहा है टूल्स भी दिए हुए हैं, शायद, हाँ ऐसा ही है, टूल्स भी इसी में दिए हुए हैं। और ये अच्छा, इसमें बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है। अच्छा, ये टूल्स भी हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं, निकाल कर देखते हैं क्या है इसमें। तो ये है टेंट को रोकने के लिए कुछ क्लिप्स दी हुई हैं इसमें, और साथ ही साथ ये कुछ, और ये हमारा, आप खोलते हैं टेंट को। और ये इसमें स्टिक्स दी हुई हैं, उसको मुझे लगता है कि एक दूसरे में बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग स्टिक कर लेते, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इन स्टिक्स पे ये रबर बैंड, इनको रोकने के लिए ये तो बिल्कुल वैसे स्टिक्स लग रही हैं जैसे ब्लाइंड पीपल्स लेकर के जाते हैं। ये अलग है, ये अलग है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, बस सिंपल से इसको इस तरीके से लगाना है। और जैसा कि डीकैथलॉन में जब हम इस टेंट को ले रहे थे तो वहाँ मैम ने बताया था कि इस तरीके से इसको लगाना है। तो ये है एक रॉड, दूसरी रॉड भी हम लोग, अब इस पहली राड को हम इसमें लगाते हैं इस तरीके से यहाँ, और इसके दूसरे सिरे को लगाना है हमें यहाँ, ताकि ऐसे टाइट रहेगी। और ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा है ना, लग रहा है कि मेहनत लगती है, एक आध बार लगाएंगे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे इसमें जो है इन टिप को लगानी है, बस एक एक करके वन बाय वन सभी को इसमें से फंसाना है। काफ़ी टाइम से ये टेंट लेना चाहते थे, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते थे तो स्टे करने की, जब स्टे की बारी आती थी तो हम लोग सोचते थे कि यार एक टेंट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ रूम नहीं मिलते हैं। कई जगह ऐसी कि आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको वहाँ पर रूम नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको टेंट ही लगाना पड़ेगा। और वहाँ टेंट मिलते भी हैं, उनके टेंट होते हैं जो वहाँ पे लोग, इसका कवर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसका गेट किस साइड है, इसी टाइप का गेट है। चलो अब इसके ऊपर ऐसे इसको पहना देना है। इसकी भी छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, इन्हें इस तरीके से फंसा देना है साइड में। तो अब हम लोग करते हैं इसको ओपन। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, बताइए सभी, अच्छा है, पोर्टेबल है, हल्का है, लाइट वेटेड है। और अब दिखाते हैं हम लोग इसके अंदर, चलकर दिखाते हैं कि कैसा है अंदर का व्यू। ये और भी खुल सकता है पूरा ऐसे इस टाइप से, है तो अच्छा, काफ़ी सारा प्लेस है इसमें, इजी। हम देखते हैं, देख कर के, हाँ देख तो सकते हैं, विंडो खोल कर देखते हैं, विंडो खोल के, यहाँ पे एक विंडो पॉइंट दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, चलते हैं पीछे से दिखाते हैं, इसके जो विंडो है वो पीछे से ही ओपन होगी। आओ, अच्छा है, मुझे तो सही लगा, कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आप आराम से 2 पर्सन तो आराम से बैठ सकते हैं, है ना। और आप अगर चाहें तो चलते हैं अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो ये रहा टेंट अंदर से, और
यहाँ पे पॉकेट दी हुई हैं, ऐसे आप कुछ भी रख सकते हैं इन पॉकेट्स में, ऐसे 3 पॉकेट्स हैं। तो अगर आपके पास जैसे कुछ भी हो, लाइट वगैरह आपने यूज़ करना है, तो आप इसमें आराम से रख सकते हैं। मैं डेमो के लिए दिखाता हूँ आपको कि अभी इसमें हमने ये अपना रख दिया है, है? तो ये इस तरीके से है, और जब आप अंदर से बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ये देखिए कितना ईजी, कितना ही ईजी है। ये देखिए हो गया है लॉक, अब ये पूरी तरीके से हो गया कवर्ड, अब हम लोग आराम से यहाँ सो सकते हैं, है ना। आप अगर ये नहीं तो इससे पहले आपको इस वाले की पॉइंट को भी क्लोज करना होगा। इस तरीके से पहले इसको बंद कर लेंगे, फिर उसके बाद इधर से इसको भी क्लोज कर लेंगे। ये देखिए कितनी इजी तरीके से क्लोज। ठीक, अब हम लोग हो गए हैं अपने टेंट के अंदर कवर्ड। ये ऊपर यहाँ पे आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, जैसे लाइट वगैरह कुछ लगाना हो आपको तो इधर लगा सकते हैं। बाकी इधर कुछ डोरी दी हुई है, देखिए जैसे कुछ आप रख लटकाना चाहते हैं। इधर पीछे पॉकेट दी हुई है, पॉकेट में रख सकते हैं या आराम से हम सो सकते हैं। फाइनली हम लोगों ने पूरा टेंट लगाया, आपको दिखाया, अच्छा प्रोडक्ट है डीकैथलॉन का, काफ़ी स्पेस भी था, पॉकेट्स भी हैं और भी बहुत कुछ है। अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्रिप पे, तब तक के लिए।